सर्विस जनरली मैं मारुति के शोरूम ऑथराइज्ड है वहीं से कराता हूँ। माउंट दिख रही है आपको अंदर, ये ब्लैक वाली, ये पूरी रबर की माउंट चेंज हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सबका स्वागत है अजीत सनी व्लॉग्स पे। आज सुबह सुबह मैं निकला हूँ अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए। कार मेरी काफ़ी चल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं मेरी गाड़ी 112,160 किलोमीटर चल गई है और ये कार लिए हुए मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2.5 साल करीब हुआ है, रनिंग ज़्यादा है तो इसकी सर्विस मुझे हर लगभग दूसरे तीसरे महीने करानी पड़ती है। सर्विस जनरली मैं मारुति के शोरूम जो ऑथराइज्ड है वहीं से कराता हूँ, बाहर से नहीं कराता। बाहर वाले मैकेनिक अपना खुरपेची अपना दिमाग लगाने लगते हैं तो वहाँ पे रहता है कि थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन गाड़ी की लाइफ बनी रहती है। कहीं आपको लंबे टूर पे जाना है या कुछ करना है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये सर्विस सेंटर मेरे घर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। अभी मैं गाड़ी वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, मैंने सनी को बुलाया है, वो मुझे रिसीव करेगा, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ खाए पियेंगे क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो कुछ खाया पिया नहीं है, खाली निकल लिए हैं। आज मौसम अच्छा था, धूप सुबह ही सुबह जल्दी निकल आई आज तो ठीक लग रहा है थोड़ा आज। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया हूं, लेकिन यहां तो काफ़ी भीड़ लग रही है, चल के अंदर देखते हैं क्या है। यहां पे ऑलरेडी काफ़ी सारी गाड़ियां पहले से लगी हुई हैं तो सर्विस कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये रही अपनी गाड़ी, अभी ये इंतज़ार कर रहा है, वेटिंग में है क्योंकि ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारी गाड़ियां सर्विस के लिए लगी हुई है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये टंगी हुई है इस पर, और यहाँ सामने भी लगा हुआ है, सामने वॉशिंग हो रहा है। कंपनी सर्विस एडवाइज़र आए हैं बताने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है। ये पूरी रबड़ की माउंट चेंज होगी आपकी, जो कट गई है जी, अंदर की रबड़ होती है वो कट जाती है तो लोहा बचता है, लोहे से लोहा जब टकराता है तो वो वाइब्रेट करता है जी। दोनों तरफ दोनों वो चेंज होगी, बाकी उसको चेंज करने के लिए जब फॉकर उतारेंगे तो फॉकर का प्रेशर भी चेक कर लेंगे, अगर वीक होगा तो आपको बता देंगे। बाकी लिंक रॉड होती है इसमें मैं बता देता हूँ माउंट। गाड़ी सर्विस के लिए दे चुके हैं, अब फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं घर की ओर क्योंकि शाम में गाड़ी मिलेगा। कार से आए थे बाइक पे जा रहे हैं गनीमत है बाइक पे जा रहे, नहीं पैदल जाना पड़ता तुम नहीं आते तो मैं वॉलेट लाना भूल गया था मैं जा रहा था शेविंग कराने, पापा बोले यार सर्विस करा दो। वहाँ पे नेक्सा में क्यों नहीं गए? नेक्सा में नहीं ठीक करता है, यहाँ पे काम अच्छा करता है। टोटो ये कारें बिक रही हैं यहाँ पे, कार फॉर सेल। ये वैगनार बिक रही है, ये देखो BMW भी कबाड़। ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च, यहाँ पे रिसर्च होता है मछलियों पे, रिसर्च होता है कैसे बना के खाए यहाँ पे पढ़ा जाता है उनके बारे में कि प्रजातियों का कैसे ग्रोथ होगा कैसे क्या है। मछली जल की रानी है उसको पका के खानी है अजीत भाई सेविंग कराने आए हैं और इनको यहाँ पे दिख गया कुछ ऐसा, आप लोग देखिए। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं वापस कार लेने के लिए, पर हम लोगों ने बाहर कुछ खाया नहीं, बाहर नहीं खाया था, डिसाइड किया कि घर ही पे खाया जाए, कुछ आसपास ढंग का दिखा नहीं खाने को तो सोचा घर का ही खाना खाएं ज़्यादा अच्छा है।
और कार आप देख सकते हैं अभी हो रही है, थोड़ा सा हमको लग रहा है पॉलिशिंग का काम चल रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों गाड़ी में देखिए अभी पॉलिशिंग का और क्लीनिंग का काम चल रहा है, तब तक हम लोग कराते हैं बिल, देखें कितने का बिल फाड़ा है भाई साहब ने। तो दोस्तों फाइनली मुझे मेरी कार मिल गई है सर्विस होके, भाई साहब ने बिल तो बहुत लंबा चौड़ा फाड़ दिया 10,500 रुपये का, लेकिन यह रहता है कंपनी में कराने में थोड़ा अच्छा रहता है, गाड़ी की लाइफ बनी रहती है और जब सर्विस होके आती है तो गाड़ी एकदम लगता है शोरूम से निकली है, पूरा बढ़िया महक आ रही है पॉलिश की, अच्छा लग रहा है, चलाने में भी बहुत स्मूथ चल रही है। और बस एक ही बात दोस्तों कहूँगा, अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हम लोग को अभी। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।